আর সিএসএস এন্ড পিএমএস এসপিরেন্টস, দিস ইজ মি আব্দুল নাসের অ্যান্ড টুডে আই এম গোয়িং টু টিচ ইউ ব্রিটিশ হিস্ট্রি। সো টুডে আওয়ার ফার্স্ট টপিক ইজ গ্লোরিয়াস রেভলিউশন, গ্লোরিয়াস রেভলিউশন। ওকে, লেকিন উসসে পেলে হমে ইয়ে জাননা চাহিয়ে কি পিএমএস মে ব্রিটিশ হিস্ট্রি কে পেপার কম্পোজিশন কেসি হ্যায় আর সিএসএস মে পেপার ব্রিটিশ হিস্ট্রি কি পেপার কম্পোজিশন কেসি হ্যায়। তো পেলে হম পেপার কম্পোজিশন পে বাত করেন, উসকে বাদ হম মেন টপিক পে আয়েঙ্গে। ওকে, পেপার কম্পোজিশন ব্রিটিশ পিএমএস মে ব্রিটিশ হিস্ট্রি কে দো পেপার হ্যায়, উসকে উন এক এক পেপার কে 100 মার্কস হ্যায়, মতলব টোটাল মার্কস হমারে পাস জো হ্যায় ও 200 হ্যায়। সো পেপার ওয়ান শর্ট ফর্ম 1688 টু 1850, মতলব 1688 সে লেকর 1850 তক হমারে পাস হমারে সাথ জো ইভেন্টস হুয়ে হ্যায় উসকো হম পড়েঙ্গে, যে হমারে ফার্স্ট পেপার কো কভার করেগা। পেপার টু হমারে পাস জো হ্যায় ও 1851 সে লেকর প্রেজেন্ট তক হমারে পাস জো হুয়া হ্যায় উসমে পড়েঙ্গে, মতলব জো হমারে পাস অভি সুরতিহাল চল রহি হ্যায় ইংল্যান্ড কি, জেসে কি হম ডেভিড ক্যামেরুন কি রেজিগনেশন হো গই জেসে নে কা কি গভর্নমেন্ট হো গই, ব্রেক্সিট হো গয়া, ইহাঁ তক হম পড়েঙ্গে পেপার টু মে। সিএসএস কি জো সিলেবাস রিভাইজ হুই হ্যায় উসকে বাদ ব্রিটিশ হিস্ট্রি জো হ্যায় ও 100 কি বন গই হ্যায়। 2016 সে পেহলে ये ব্রিটিশ হিস্ট্রি জো থি ও 200 মার্কস কি থি, অর সেম টু সেম পিএমএস কে সিলেবাস কি তরহ থি। লেকিন অভি 2016 কে বাদ উনহোনে কিয়া কিয়া হ্যায় ইউপিএসসি ওয়ালো নে, কে পেপার কো এক কর দিয়া উনহোনে, বাকি সিলেবাস সেম হ্যায়। ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए है, बाकी सिलेबस सेम है। अगर आप पीएमएस के लिए सही प्रिपेयर कर लो, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप सीएसएस के पेपर को इजीली क्रैक कर सकते हैं, ब्रिटिश हिस्ट्री के पेपर को इजीली क्रैक कर सकते हैं, ना सिर्फ क्रैक कर सकते हैं बल्कि इसमें अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन टॉपिक। मेन टॉपिक जो हमारे पास है वो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन है, लेकिन ग्लोरियस रिवॉल्यूशन से पहले हमें यह जानना है कि ग्लोरियस रिवॉल्यूशन आया क्या। हमारे पास जो मेन वजह थी वो रिलीजियस वजह थी। रिलीजियस वजह क्या थी? यूरोप में जो मेन टू सेक्ट्स हैं क्रिश्चियनिटी के, वो एक है प्रोटेस्टेंट, दूसरा है कैथोलिक्स। जो इंग्लैंड के लोग थे वो प्रोटेस्टेंट्स थे, मतलब चर्च ऑफ इंग्लैंड के फॉलोअर थे, और जो फ्रांस आयरलैंड के लोग थे वो चर्च ऑफ रोम के फॉलोअर थे, वो कैथोलिक्स थे। मतलब जैसे कि हमारे पाकिस्तान में या फिर मुस्लिम कंट्रीज में इस्लाम में या फिर मुस्लिम में टू सेक्ट्स हैं, मेजर सेक्ट्स, एक है क्रिश्चियनिटी, सॉरी एक है सुनी, दूसरा है शिया। इन दोनों में जैसे फसादात होते हैं, इसी तरह प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स में भी फसादात हुए थे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर मेन टॉपिक, दैट इज ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन है क्या? ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऐसा रिवॉल्यूशन है जिसमें खून खराब नहीं हुआ, बिल्कुल एक कतरा खून भी नहीं हुआ, ना ही कोई तलवार, ना ही कोई नेजा, कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए इसे ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहा जाता है। पेपर में कई बार आया है ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, व्हाट वाज द कंसिक्वेंसेस ऑफ ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, व्हाट आर द कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, एक्सप्लेन ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, दैट इसी तरह के कोई कुछ कुछ सवाल आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, आपने फोकस करना है, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन को समझना है, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन है क्या, फिर आप फिर ये सीएसएस में जैसा भी इससे रिलेटेड सवाल आएगा, आई एश्योर यू कि आप सही अटेम्प्ट कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉजेज ऑफ ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। ओके, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन
फर्स्ट मेन कॉज वॉज लैक ऑफ पोलिटिकल फारसाइटेडनेस ऑफ किंग जेम्स टू। उस टाइम जो था जेम्स टू बादशाह था, ये 1685 में इन्होंने इसने बादशाहत संभाली थी। इससे पहले इसका भाई था चार्ल्स टू, लेकिन उसके मरने के बाद 1685 में जेम्स टू बादशाह बना और इसने हुकूमत की है 1685 से लेकर 1688 तक, मतलब 3 साल हुकूमत की है इसने। इसका जो वीक पॉइंट था वो सियासी तौर, सियासी शोर उसमें नहीं था, मतलब वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, वो लोगों की बात नहीं समझता था, वो उसके जी में जो आता था वो करता था, उसने लोगों का जीना हराम कर रखा था। दूसरी जो मैनेजर थी वो रिवोल्ट ऑफ मॉनमाउथ। मॉनमाउथ कौन था? मॉनमाउथ जो था चार्ल्स टू का इलिजिमिटेड सन था, नाजायज बेटा था उसका। जब इंग्लैंड के लोग जेम्स टू से तंग आ गए तो उन्होंने मॉनमाउथ से रवाबित कायम करना शुरू कर दिए। पहले तो वो नहीं माना मॉनमाउथ, लेकिन लोग को बार बार इसरार करने पर वो लोग उसके बहकावे में आ गया और उसने जेम्स टू के खिलाफ रिवोल्ट स्टार्ट कर दी। इस रिवोल्ट में मॉनमाउथ मारा गया। लोग इससे बहुत नाखुश थे क्योंकि उसने जेम्स टू ने एक जानशीन को मार दिया था। पार्शल रिलीजियस पॉलिसी ऑफ जेम्स टू। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीपल ऑफ इंग्लैंड वर द फॉलोअर ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड, मतलब प्रोटेस्टेंट थे वो, जबकि बादशाह जो था जेम्स टू वो कैथोलिक था, फॉलोअर ऑफ चर्च ऑफ रोम। लोग इससे इस बात को लेकर बहुत परेशान थे क्योंकि वो वहां पे कैथोलिक रिलीजन को कायम कर रहा था, उसको बड़ा चढ़ा कर पेश कर रहा था और लोगों को मजबूर कर रहा था कि कैथोलिक को फॉलो करें। थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ जेम्स टू। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो सियासी शोर उसमें नहीं था, इसलिए बस वो जो कहता था वो बस ठीक होता था, वो अपने आप को खुदा का रिप्रेजेंटेटर मानता था जमीन पर, इसलिए खुदा के बाद जो हुक्म माना जाता था वो जेम्स टू का माना जाता था। और लोग इसी वो लोग कहता था कि जो मैं कह रहा हूँ वो खुदा का पैगाम है, इसलिए लोग उससे बहुत तंग थे। अगली जो मैंने बताई थी वो ओपन वायलेशन ऑफ टेस्ट एक्ट। अब उसने टेस्ट एक्ट की वायलेशन की थी। अब ये टेस्ट एक्ट है क्या? टेस्ट एक्ट हमारे पास 1660 में 1660 में इम्प्लीमेंट किया गया था चार्ल्स टू के दौर में। और इस एक्ट के मुताबिक जो कैथोलिक्स थे वो गवर्नमेंट पोस्ट पे अपॉइंट नहीं हो सकते, लेकिन उसने ना सिर्फ जेम्स टू ने ना सिर्फ अपॉइंट किया बल्कि हाई पोस्ट भी उनको दी। आर्बिट्ररी फॉरेन पॉलिसी ऑफ जेम्स टू। अब मैंने आपको बताया था कि जेम्स टू जो था वो कैथोलिक था, फ्रांस भी कैथोलिक था, फ्रांस का जो बादशाह था वो लुईस द 14 था। उसने लुईस द 14 के साथ फ्रेंडली रिलेशन कायम कर रखे थे और इंग्लैंड के लोगों को ये बात नागवार गुजर रही थी क्योंकि इंग्लैंड के लोग कैथोलिक रिलीजन को नहीं मानते थे। पहली वजह तो रिलीजन रिलीजियस कास्ट थी, दूसरी जो वजह थी वो कमर्शियल कास्ट थी। इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान कमर्शियल रेवली थी, तो इसी बिना पर लोगों को ये बात नागवार गुजर रही थी कि जेम्स टू क्यों उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन कायम कर रहा है। डिक्लेरेशन ऑफ इंटेलिजेंस। अब जेम्स टू ने क्या किया? उसने कैथोलिक रिलीजन को फैलाना शुरू किया, उसकी प्रीचिंग शुरू कर, और उसने बिशप्स को बुलाया जो इन चर्च में ये
मुल्ला काम करते हैं, जैसे कि हमारे मस्जिद में मुल्लाज होता है, जैसे तबलीगी जुमात भी कह सकते हैं आप उसे, उनको बुलाया और उनसे कहा कि आप हर इतवार कैथोलिक रिलीजन की प्रीचिंग करेंगे और वो भी खुलेआम। अब बिशप्स के पास सिर्फ दो रास्ते थे, पहला तो ये कि उस बात को मान ले और प्रीचिंग स्टार्ट कर दें, लोडली उसकी कैथोलिक रिलीजन की प्रीचिंग स्टार्ट कर दें। दूसरी जो चॉइस थी उनके पास, वो बादशाह के हुक्म से इनकार था, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। अब इस इनकार की बिना पर क्या हुआ कि इम्प्रिजमेंट ऑफ 7 बिशप्स, उसने उन 7 जो बिशप्स हैं उनको कैद कर दिया। इस बात पे इंग्लैंड के लोग बहुत नाखुश थे, इसलिए एक जुडिशियल कमीशन कायम किया गया और वो उस कमीशन में वो जो 7 बिशप थे वो बेगुनाह साबित हुए और उनको रिहा कर दिया गया। लोगों को खुशी हुई कि मतलब बिशप्स रिहा हो गए। इसी खुशी के दौरान जेम्स 2 का एक बेटा पैदा होता है। जेम्स 2 ने 2 शादियां की थी, पहली बीवी से उनकी 2 बेटे थे, एनी और मेरी, जबकि दूसरी बीवी से ये एक बेटा उसका पैदा हुआ हो गया। अब लोग तो पहले जेम्स 2 से बहुत तंग थे, अब लोगों ने सोचा कि यार ये क्या हो गया। अब जेम्स 2 का जो बेटा भी होगा वो भी कैथोलिक होगा, वो भी हम पे बहुत सख्ती करेगा, तो उन्होंने क्या किया कि रिवोल्यूशन स्टार्ट कर दी, आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जेम्स 2 की पहली बीवी से 2 बेटियां थी, मेरी और एनी। मेरी जो थी वो उसकी बड़ी बेटी थी और वो विलियम ऑफ ऑरेंज मतलब हॉलैंड का जो बादशाह था उसकी बीवी थी। एनी जो थी वो उसकी छोटी बेटी थी और ये इसकी शादी हनोवर डायनेस्टी में की गई थी। ओके, लोगों ने क्या किया कि मेरी और विलियम को कत्ल का लोगों ने और इंग्लैंड पे हमला करने की दावत दी। विलियम ने और मेरी ने ये दावत कबूल की और उन्होंने 15,000 सिपाहियों के साथ इंग्लैंड पे अटैक किया। जेम्स 2 के पास इतना सा था वो बच सकता था, वो लोगों को एतमाद में ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और वो फ्रांस भाग गया और लुईस XIV ने फ्रांस में उसको मरा दी। जनवरी 22, 1689 बोथ विलियम एंड मेरी वर इनथ्रोन्ड जॉइंटली। 22 जनवरी 1689 को मेरी और विलियम दोनों को जॉइंटली इनथ्रोन्ड किया गया, मतलब दोनों इकट्ठे बादशाह बन गए, रूलर बन गए। कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्लोरियस रिवोल्यूशन, ग्लोरियस रिवोल्यूशन के जो हमारे पास नतीजे हैं वो क्या हैं? एंड ऑफ डिस्पोटिज्म। एंड ऑफ डिस्पोटिज्म मीन के जो किंग की डिवाइन राइट वाली पावर है वो चली गई। अब जो बादशाह कहता था उसको माना नहीं जाता था। अब पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी कायम होना शुरू हो गई थी ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बाद। वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैसे पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी बहाल होना शुरू हुई। रिलीजियस कंसिक्वेंसेस क्या थी? रिलीजियस कंसिक्वेंसेस हमारे पास ये भी कि कैथोलिक्स को दबा दिया गया, उनको पोस्ट से हटा दिया गया, जो गवर्नमेंट हाई हाई गवर्नमेंट पोस्ट पे थे उनको हटा दिया गया और प्रोटेस्टेंट को वहां पे अपॉइंट कर दिया गया, मतलब सही तरह उनको इंग्लैंड में दबा दिया गया कैथोलिक्स को। पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस क्या थी? पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी वो बढ़ना शुरू हो गई, ठीक है। उनकी जो पार्टीज थी वो बिल्डअप होना शुरू हुई। वहाँ उस टाइम 2 पार्टीज थी इंग्लैंड में, टोरीज एंड लिबरल, ठीक है। तो
हमारे पास ये पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस थी उसका। इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस क्या थी? इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस हमारे पास ये भी कि विलियम और मेरी के आने के बाद उन्होंने डिफरेंट स्कीम्स चलाए, जैसे कि हमारे पास एक स्कीम ऑफ नेशनल डेट है, उन्होंने विलियम ने उसे पेश किया, बैंक ऑफ इंग्लैंड को कायम किया गया, कॉइन को रिन्यूज किया गया, जिसकी वजह से इंग्लैंड की इकोनॉमी काफ़ी बूस्ट हुई। सोशल कंसिक्वेंसेस क्या थी? लोगों को फैसिलिटीज देना शुरू हो गई, उनको आज़ादी मिलना शुरू हुई, रिलीजियस फ्रीडम उनको मिल गई, बाद में रिलीजियस फ्रीडम उनको मिल गई थी। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि रिलीजियस फ्रीडम कैसे मिली थी। सोशल कंसिक्वेंसेज में हमारे पास ये भी आता है कि जो प्रेस है, प्रेस को आज़ादी दी गई, लोगों को स्पीच देने की आज़ादी दी गई। ये हमारे पास सब सोशल कंसिक्वेंसेज हैं। इन्फ्लुएंस ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अब ये हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसिक्वेंसेज है। इन्फ्लुएंस ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसको आप समझने की कोशिश करें थोड़ा ध्यान के साथ। जैसे कि इंग्लैंड और फ्रांस के फ्रेंडली रिलेशन कायम थे, क्योंकि इंग्लैंड का जो बादशाह था जेम्स टू, वो भी कैथोलिक था और लुईस XIV भी कैथोलिक था, तो इनके दरमियान फ्रेंडली रिलेशन कायम थे। हॉलैंड जो था, हॉलैंड, वो इंग्लैंड के साथ उसकी नहीं लग रही थी और फ्रांस भी हॉलैंड के साथ मुस्तगरबा था। तो जब ग्लोरियस रिवॉल्यूशन आया, इंग्लैंड और हॉलैंड आपस में मिल गए, जिसकी वजह से लुईस XIV को एक धक्का लगा और वह इस बात पे बहुत नाखुश था। ये हमारे पास ग्लोरियस रिवॉल्यूशन खत्म हुई और इस पे CSS और PMS में 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, इसको आप अच्छी तरह याद कर लें। मैंने आपको जो स्लाइड्स में बताया है, इसी से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।